आज आप सब लोगों के बीच मुझे लगा कि कुछ बातों को मैं शेयर करूं, क्योंकि बातें कुछ नई नहीं है। आप सब लोगों को भी समय समय पर संज्ञान में आता है या आप सब लोग भी सुनते रहते हैं, तो उसी बातों को फिर हम भी आपके समक्ष थोड़ा सा संकलन करके विषय को हम रखना चाहेंगे। क्योंकि तो जब जब राज्य में मतलब हेमंत सोरेन की सरकार संकट में आती है, आई है, या उनको संकट का एहसास होता है कि अब हमारे सामने संकट है, बुरी तरह से हम घिरे हुए हैं, तो आप सब ने देखा होगा कि वो आदिवासी कार्ड खेलना शुरू करते हैं और उसके बाद कुछ से कुछ बोलना शुरू करते हैं कि हम आदिवासी हैं, लोग हमें पचा नहीं पाते हैं। फिर यहां तक वो कह डालते हैं कि सामंतवादी सोच के तहत जो लोग हैं वो लोग हमें परेशान करते हैं। तो इस प्रकार की वो तरह तरह के जिसको कहते हैं, जेएमएम के लोग भी, हेमंत सोरेन भी, ये पूरे जिसको कहते हैं कि कुनबा के लोग यही राग अलपना शुरू करते हैं। अब सबने देखा कि पिछले दिनों चाहे वो मामला हाईकोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो लोकपाल का मामला हो या इलेक्शन कमीशन या राजभवन का मामला हो, तो सरकार हम कह सकते हैं कि जब उनको लगता है कि चारों तरफ से घेरे हुए हैं तो वो ट्राइबल के कार्ड वो खेलना शुरू करते हैं। और इतना ही नहीं, बात तो करते हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन आप देखें उन कोटों में जो अपने आप को बचाने के लिए देश के नामी ग्रामी जो वकील होते हैं उन लोगों को हायर करते हैं। मैं कह सकता हूं कि झारखंड को मैं जिनता जानता हूं, सर कोई भी ट्राइबल नहीं है कि उन सारे वकीलों को अगर कोई मुसीबत में फंस जाए तो उन ऐसे वकीलों को कोई हायर कर सके वकालत करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन। तो ये खेलते आदिवासी कार्ड हैं और व्यवहार जो इनका आप देखेंगे पूरी तरह से वो सामंतवादी का वो दिखता है। इसीलिए लगा कि मैं आप सब लोगों के समक्ष कुछ विषय या कुछ जानकारी मैं आपके समक्ष हम साझा करूं। आप सबने देखा होगा कि आज अखबारों में भी छपा है लोकपाल को लेकर के कि भाई शिवू सोरेन परिवार को बड़ी राहत मिली। मैं उन राहत के बारे में यहां बात करने के लिए नहीं, लेकिन मैंने जब इस प्रकार की कल से ही सोशल मीडिया में जब समाचार घूमने लगा तो हमें भी लगा कि ये थोड़ा तहकीकात करना चाहिए कि मामला क्या है इसमें से। और जब फिर मामला को मैंने उस पर तहकीकात की, उसकी हमने थोड़ी सी डिटेल में हम गए, तो हमें देख करके जिसको कहते हैं कि बड़ी एकदम चकित कर देता है। और वो इसलिए कि आज जो सीबीआई और इनकम टैक्स वालों ने जो एकत्रित किया था, जो इकट्ठा किया इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो संपत्ति है हेमंत सोरेन परिवार की या शिवू सोरेन परिवार की, तो वो भी उस संपत्ति को इकट्ठा किया गया, या तो उन्होंने इनकम टैक्स में दर्शाया है,
या फिर इलेक्शन जब चुनाव जो लोग लड़ रहे थे, जैसे कई लोग चुनाव नहीं लड़े हैं वो तो नहीं दर्शाएंगे, उनकी पत्नी जैसी है, तो इनकम टैक्स ने या जो दर्शाया है या फिर इलेक्शन कमीशन में जो चुनाव लड़ते वक्त अपने प्रॉपर्टी का जो लोग डिक्लेयर करते हैं, उसमें से जो लिखित है वो 108 ऐसी परिसंपत्तियों का साम्राज्य इस परिवार ने खड़ा किया है झारखंड में। थोड़ा मोड़ा नहीं, मैंने जिसको कहते हैं ना कि 108, या उसको कहते हैं कि भाई श्री श्री शिव सोरेन 108 संपत्ति इस झारखंड में, रांची से लेकर के दुमका तक, और फिर यूपी में भी, फिर दिल्ली में भी, और भी कहीं कई एक जगह होगा। और उसमें भी आश्चर्य है कि 33 यानी 33 ही मात्र प्रॉपर्टीज को इलेक्शन कमीशन में लोगों ने डिक्लेयर किया, बाकी तो अनडिक्लेयर्ड है। तो अनडिक्लेयर्ड का आप जानते हैं उसका क्या सजा है इलेक्शन कमीशन में, कोई भी अगर अपनी संपत्ति को कोई छुपाते हैं तो उनकी सदस्यता तो जानी ही जानी है, मतलब मिनिमम जिसको बोलता है, जो सामान्य जानकारी में पहले भी इस प्रकार की बातें हो चुकी है। तो ये जो अपने आप को कहता है कि हम गरीब हैं, आदिवासी हैं, और चिल्लाते हैं कि भाई सामंती, तो भाई कौन सामंत है? मैं समझता हूं। और ये सारे प्रॉपर्टी 12-14 साल में नहीं, झारखंड बनने के बाद इन्होंने खड़ा किया है, ये 4-5 के बाद ही ये सारे संपत्ति इतने खड़ी हुई है अटालिकाएं इनकी इतनी बड़ी। और उसमें भी मैं कह सकता हूं कुछ एक संपत्ति के तो मैं बेनामी संपत्ति मैं जानता हूं, क्योंकि किसी और के नाम से है लेकिन उनके घेरे में वो सारे प्रॉपर्टी है इस प्रकार की। तो इस प्रकार के पूरे राज्य में या बाहर भी कितनी सारी प्रॉपर्टी इनकी होगी, ये तो जांच का विषय है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जब हाईकोर्ट में प्यायल होता है तो बड़े बड़े लॉयर को लाते हैं कि भाई इनको डर इसलिए होता है कि जांच होगा तो पकड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वहां बड़े बड़े लॉयर को ले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन में या लोकपाल में, तो ये इसलिए करते हैं तो कि वो चाहते हैं कि जांच होगी तब तो हम पकड़े जाएंगे, जांच नहीं हो इसके लिए कोशिश करते। भाई अगर आपने कोई गलत नहीं किया, आपने कोई लूटा नहीं, आपने कहीं कोई इलीगल तरीके से आपने धन को इकट्ठा नहीं किया है, तो फिर आप डरते किस बात की है? जो भी जांच आपसे लोग मांगते हैं आप दे दीजिए, जांच हो जाएगी, आपका क्लियर हो जाएगा। जितने आपने प्रॉपर्टी खड़ा किया उसका रिसोर्स आप बता दीजिए, आपने कहां कहां से इतनी पैसे लाए और इन सारे प्रॉपर्टीज को आपने खड़ा किया। तो ये जो स्थिति है इनकी वो किसी से, तो इसलिए हमने कहा कि ये जो एकदम बड़ी जिसको कह सकते हैं ना कि ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति ने पूरे राज्य में और झारखंड में, तो आप मुझे लगता है कि रांची में बहुत सारे ऐसे ही प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जब जांच, और इसीलिए वो जांच से वो भागते हैं, जांच से डरते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।